वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। मंगलवार को 38 मरीज होम आइसोलेशन में स्वस्थ हुए, जबकि अस्पताल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 375 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,786 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,249 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 162 है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का कार्य चल रहा है। यह कार्य 16 जनवरी को पूरे देश में एक साथ शुरू हुआ। वाराणसी में भी धन संग्रह का कार्य चल रहा है। इस निधि संग्रह अभियान में मंगलवार को स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के कार्यालय पहुंची वकालत की पढ़ाई कर रही मुस्लिम युवती इकरा अनवर खान ने 11,000 रुपए का चेक भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस चेक को सहर्ष स्वीकार किया और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। वाराणसी को कृषि निर्यात का हब बनाने के लिए एपिडा वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों ने आज एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। वाराणसी से मटर और रामनगर के बैंगन की पहली खेप मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संयुक्त अरब अमीरात के शहर शारजहां के लिए रवाना किया गया। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी के इस पूरे परिक्षेत्र को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का व फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा हब बना रहा है। आने वाले समय से वाराणसी से जल मार्ग के रास्ते पानी के जहाज से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बांग्लादेश सहित साउथ एशिया के देशों को सीधा भेजा जाएगा। से हम लोग विगत 1.5 साल से यहाँ से कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज पहली बार हम लोग सीधे वाराणसी एयरपोर्ट से शारजहाँ के लिए मटर और यहाँ का रामनगर का भंटा बैगन जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका GIB कराने जा रहे हैं हम लोग, उसका यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। मिर्जापुर जनपद के अरोरा थाना क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र पर मिले वाराणसी के हिस्ट्री शीटर शुभम केसरी और रवि पांडे के अजले शव के मामले का वाराणसी पुलिस ने राजफाश कर दिया है। 22 अगस्त 2017 को चौक थाने के राजा दरवाजा इलाके में झोला व्यापारी मोहन निगम की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का बदला लेने के लिए मोहन निगम के साले ने शुभम केसरी को 5 लाख की सुपारी देकर मौत के घाट उतरवाया था। उस दिन रवि पांडे भी उसके साथ था। हत्यारों को अपनी पहचान छुपाने के लिए रवि पांडे को भी जान से मारना पड़ा। थाना मिर्जापुर में 15 तारीख को जो बॉडी मिली, उनके संबंध में वहाँ जब शिनाख्त हुई तो उनका संबंध वाराणसी से होना पाया गया। इस क्रम में थाना कोतवाली वाराणसी में 302-201 की FIR दर्ज की गई और पुलिस टीम ने मेहनत करके अल्प समय में इस घटना, इस हत्या से जुड़े हुए अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर लिया है। 5 मुख्य अभियुक्त जो मूल साजिशकर्ता और जिन्होंने इस हत्या को किया वो सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक अभियुक्त जो हमारी जानकारी के हिसाब से इस घटना में शामिल था वो भी गिरफ्तार किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी इस घटनाक्रम में शामिल थे, जो टैक्सी या मैजिक वाले जो इस उनके शव को ले गए, क्या उनको इस घटना की जानकारी थी, वो किस हद तक इसमें शामिल थे, इसकी जाँच की जा रही है। जो जिन युवकों की हत्या हुई उनसे जुड़ा हुआ उनकी मोटरसाइकिल, जैकेट, हेलमेट, डॉक्यूमेंट्स ये सब बरामद हुए हैं। उस कमरे की पहचान हो गई है जहां पर यह हत्या हुई थी और इस पूरी साजिश का आज अनावरण हो गया है। सभी जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी। 2017 में चौक थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी और उस हत्या में जो मृतक है वो शामिल था और उसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उदय प्रताप स्वायत्त शासी कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी। छात्रों का आरोप है कि बाहरी लोग यहां कैंपस में आकर गुंडागर्दी करते हैं और छात्रों से मारपीट करते हैं। छात्रों का आरोप है कि आज लक्ष्मणपुर गेट पर बाहरी लोगों ने गाली गलौज करते हुए और उन पर पिस्टल तानते हुए गोली चलाई, जिससे छात्र अपनी सुरक्षा के प्रति डरे हुए हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कैंट, प्रभारी निरीक्षक शिवपुर सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और छात्रों से चीफ प्रॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के साथ वार्ता कर उन्हें हर संभव सुरक्षा दिलाने की गारंटी दी, जिस पर छात्रों ने धरना समाप्त किया है।
यह उदय प्रताप इंटर कॉलेज के कुछ बच्चों से रामलीला मैदान के पास लड़ाई हुई थी कल, और थाने पर ये सब FIR भी संभवतः ये सब जैसा कि बता रहे हैं कर किए थे। पुलिस भी सक्रिय थी, एक आध लोगों को पकड़ करके लेके गई थी, लेकिन ये गुरिल्ला युद्ध हमको जो सुनने में आया है इन लोगों का चल रहा था, लेकिन ये परिसर के बाहर बाहर चल रहा था। आज 10-15 लड़के ये सब ईंटा पत्थर लेकर के उधर लक्ष्मणपुर गेट की तरफ सुनने में आया कि गए थे। वहाँ से भी कुछ लड़के अब यहाँ के हो सकता है पूर्व छात्र हो या निकाले गए छात्र हो या हो सकता है बारिश थे, वो सब भी पीछा किए हैं। तो जब वो सब पीछा किए हैं तो सब गेट के अंदर आ गए हैं, और वो सब अंदर आकर के जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि रिवाल्वर वगैरह पिस्टल वगैरह ताने थे या हो सकता है पिछले गेट के पास फायरिंग भी किए हैं जैसा संज्ञान में। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सोमवार को SSP ने क्राइम मीटिंग कर सभी को सख्त निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके लंका थाना अंतर्गत सुंदरपुर चौकी क्षेत्र में एक माह पहले हुई लाखों की उचक्कागिरी में पुलिस अब भी लकीर पीट रही है। बता दें कि BHU के रिटायर्ड कर्मचारी से क्राइम ब्रांच का सिपाही बनकर चार लोगों ने 18 दिसंबर 2020 को 3 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए थे। इस संबंध में चौकी इंचार्ज सुंदरपुर का कहना है कि अभी कोई लीड हमें नहीं मिली है, घटना की विवेचना चल रही है। वाराणसी बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में UP एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग, उत्तर प्रदेश सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में GI उत्पादों के प्रदर्शनी को देखने लोगों का तांता लगा रहा। प्रदर्शनी में एक तरफ जहां सिद्धार्थ नगर जिले का काला नमक आगंतुकों के लिए हॉट केक बना रहा, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने लखनऊ की चिकनकारी और हाथ से बने सजावटी सामान में अपनी दिलचस्पी दिखाई। काला नमक चावल का स्टॉल लगाने वाले अभिषेक सिंह ने बताया कि उनका 1 क्विंटल का पूरा स्टॉक पहले दिन ही खत्म हो चुका था। उन्हें अब तक 17 क्विंटल काला नमक चावल का स्टॉक अपने जिले से मंगवाना पड़ा है। गुरु राम छाटपार के जन्म दिवस के अवसर पर मंगलवार को राम छाटपार शिल्पन्यास द्वारा आयोजित मां गंगा की रेत पर 1 दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम राम छाटपार शिल्पन्यास महेश नगर कॉलोनी के ठीक सामने मां गंगा के तट पर निकले विस्तृत रेत के टापू पर आयोजित हुआ। 100 से 300 प्रतिभागी कलाकार द्वारा रेत पर आकृतियां उकेरी गई, जो अपने आप में रोमांचक एवं चुनौतीपूर्ण था। इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं देश के अन्य राज्यों से पधारे कलाकारों की कला दक्षता को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वाराणसी के आदमपुरा कूड़ेखाने में दर्जनों मृत गोवंश के पड़े होने का वीडियो वायरल हो रहा है, और हकीकत भी इससे जुदा नहीं दिखी। दरअसल वाराणसी में ठंड और कुपोषण के कारण गोवंशों के मरने का आंकड़ा जिले में बढ़ते हुए देखा जा रहा है। वाराणसी शहर के आदमपुर स्थित कूड़ा घर में दर्जनों की संख्या में मृत अवस्था में मिली पड़ी गाय। गायों के शव के बारे में जब पशु कल्याण अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ठंड में गोवंशों के मरने का आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जब गोवंशों को ठीक से भोजन नहीं मिलता तो ठंडी से मर जाती हैं। इसका मामला ये है कि शहर भर से हमने एक ठेका कर रखा है, जो मरे हुए जानवर जैसे गाय है, कुत्ते है, बिल्ली है, इनका एक ठेका होता है यहाँ से साल में एक बार, जिसके तहत हमारे ठेकेदार सब इकट्ठा करके एक IDS उसको जगह दे दी गई है जहाँ पर वो इकट्ठा करता है। उसके बाद वो करसला प्लांट हमारे यहाँ है, वहाँ पे जाके शाम को हमारी गाड़ियाँ नगर निगम भी जाती हैं और वहाँ पे उसका डिस्पोजल होता है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल की 90 वर्षीय बहन सुधा शाह ने भगवान प्रभु श्री राम में अपार आस्था दिखाते हुए मंदिर निर्माण के लिए आज मकबूल आलम रोड स्थित अपने आवास पर 1,01,111 रुपए का चेक संघ प्राप्त प्रचारक रमेश भाई को समर्पित किया। बातचीत के दौरान अशोक सिंघल की बहन सुधा सिंह ने पुरानी यादों को याद करते हुए बताया कि जब भैया यहां आते थे तो कहते थे कि मंदिर निर्माण पूरा होने पर मैं तुम्हें अपने साथ अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन कराने ले चलूंगा। देखिए सबका फल है ये, आप लोग कार्यकर्ता सभी लोग का फल है, द्वारी जी है,
मोदी जी बने रहे मोदी जी। ऐसा और मैं क्या कहूँ, सबका आशीर्वाद। और मेरा तो ससुराल पक्ष भी और नैहर पक्ष भी दोनों का ही सहयोग है इसमें। माता जी क्या तमन्ना थी और आज किस तरह का सहयोग किया आपने, क्या कुछ कुछ देखी, जरा सा दे थोड़ा सा देखती। कितने दिनों से, कितने वर्षों से इसकी प्रतीक्षा थी जो आज अब देखने को मिल रहा? बहुत वर्षों से, जब से यह आंदोलन चला है, एक रुपए का जब से चला है तब से था। हाँ वो तो कहता मंदिर जब शुरू होगा तब आऊँगा, लेके जाऊँगा जरूर। अगर भगवान मुझे रखते हैं तो मैं जरूर जाना तो चाहूँगी जरूर।